उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत इसलिए दिया था कि वो सत्ता में आके अपने संकल्प पत्र पे काम करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखे हुए संकल्प पत्र को भूल गए हैं। आज जनता को जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो स्मार्ट सिटी कब बनेंगी, जिन्होंने माँ गंगा की कसम खा करके कहा था कि माँ गंगा साफ होंगी, वो आखिरकार माँ गंगा आज गंदी क्यों हैं? ये जो भारत की जितनी भी नदियाँ थी साफ होने का संकल्प लिया था, वो आजकल क्यों नहीं हो रही हैं? और जब आज अखबार खोल करके जनता ने पढ़ा होगा और पढ़ करके ये सोचा होगा कि सरकार जो अपनी एसेट बेच रही हो, सरकार अपनी कीमती चीज़ों को बेच रही हो, और सरकार का ये कहना कि 2.5 लाख करोड़ हमें रुपए इकट्ठे करने हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, न जाने कितने दिन पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए होंगे। और फिर अगर चीज़ें बिक जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएंगी, तो मुझे बताइए कि संविधान से मिले हुए अधिकारों का क्या होगा? संविधान से जो अधिकार मिले हैं, जो नौकरियां, आरक्षण, आखिरकार क्या होगा उसका? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अर्थव्यवस्था पर, जानबूझ करके नौकरी, रोजगार, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। आज मध्यम वर्ग, आज गरीब किसान क्या खाए और क्या बचाए? आज इस हर एक की कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही है, आज कटौती हो रही है, सब परेशान है महंगाई से, और कोई वर्ग नहीं बचा जो महंगाई से परेशान ना हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोरोना काल में सबको रोटी और खाना पहुंचाया है। आप खुद सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, काम, रोजगार और नौकरी के लिए कोई बात पूरी की हो तो बताए हमें सरकार। आप ये सोचिए कि जेलों में कौन मिलता है जा करके, और जहाँ पर अपराधी हैं उनकी सांठगांठ किससे है? सत्ता से सांठगांठ है। ये कोई उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय नहीं, सब भारत के लोग हैं। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई है जो बात आप कह रहे हो। आज भारत में पहली बार हुआ होगा कि भगवान का नाम नीचे कर दिया हो और मनुष्य का, इंसान का नाम आगे कर दिया हो। क्या मनुष्य भगवान से ऊपर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों का इंतजार कर रही है। वो इंतजार कर रही है कि नौजवानों को लैपटॉप कब मिलेगा, वो इंतजार कर रही है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा, और बनारस के लोग तुम तो हो, वरना कब साफ होगी उसका भी इंतजार।